आज मैं लेके आई हूँ डोसे की रेसिपी, जिसे आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए इसकी रेसिपी हम देखते हैं किस तरह से बनाई जाती है। तो सबसे पहले एक बर्तन में हम चावल ले लेंगे। आप किसी भी कप या ग्लास, किसी चीज़ से भी चावल को मेज़र कर सकते हैं। मैं इस छोटे से ग्लास से 2 ग्लास चावल ले रही हूँ। दो गिलास चावल के बाद हम आधी गिलास मूंग ले लेंगे। 2 गिलास चावल में आधी गिलास मूंग, 2 गिलास चावल में आधी गिलास मूंग तो इसे भी हम इसमें मिला देंगे। और अब हम ले लेंगे आधे गिलास से भी थोड़ा सा कम चने की दाल, और इसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। इन सभी को हम हाथों से थोड़ा मिला लेते हैं। उसके बाद हम इसमें पानी डालकर इसे 2 बार वॉश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे फूलने के लिए रख दें, उसके बाद वॉश करें। तो मैं इसे 2 बार पहले वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद इसे फूलने के लिए रख देती हूँ, और उसके बाद जब फूल जाते हैं उसके बाद मैं फिर 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। ये देखिए, 2 बार वॉश करके मैंने इसमें पानी डालकर इसे हमने रख देना है ढक के 4 से 5 घंटे इसे फूलने के लिए। 4 से 5 घंटे हम इसे धोकर साफ़ कर लेंगे। और देखिए, ये अच्छे से फूल चुका है। तो अब इसका हम एक बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्सी में हम इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसका पीस कर एक बैटर तैयार कर लिया है। तो अब इस बैटर को भी हम 2 से 3 घंटे रख देंगे। तो ये देख सकते हैं, 2 से 3 घंटे बाद हमारा बैटर कितने अच्छे तरह से फूल चुका है। आप इससे डोसा, इडली, कुछ भी बनाएं, इसे आप इडली भी बना सकते हैं। तो अब इसे हम फेंट लेंगे अच्छे से। देख सकते हैं, अच्छे से हम इसे फेंट लेंगे। फेंटने के बाद हम इसे थोड़ी देर साइड में रख देंगे। उसके बाद हम अपना तैयार कर लेंगे आलू का मसाला। तो उसके लिए सबसे पहले हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे कढ़ाई में। थोड़ा सा डालेंगे खड़ा जीरा, 2 हरी मिर्ची जिसे हमने इस तरह से काट लिया था ये डाल देंगे, 1 मीडियम साइज का प्याज डाल देंगे, और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। जब हल्का हल्का भून जाएगा, देखिए ये हल्का भुन चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन को। आप इसकी जगह अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इन सबको हम फिर से हल्का हल्का भून लेंगे। जब ये हल्का हल्का भुन जाएंगी, देख सकते हैं हल्का फ्राई हो भुन चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 1 टमाटर डाल देंगे, और टमाटर के बाद हम डाल देंगे नमक। और टमाटर को 2 मिनट हम भून लेंगे, हल्का टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग, और अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, और अब इसे हम मसालों को भून लेंगे अच्छे से। ज़्यादा नहीं, बस इतना भूनना है कि मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए, हमने 2 से 3 मिनट मसालों को भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे मैंने उबाले हुए, जिसे मैंने मैश करके रखा था, इसे हम इसमें डाल देंगे। और अच्छे से मसालों के साथ इसे हम मिला लेंगे।
तो ये देखिए मैंने अच्छे से मसाले के साथ मिला लिया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे भी हम एक साइड में रख देंगे। और अब हम एक छोटा सा बाउल ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा डोसा का बेटर। उतना ही यूज़ करेंगे जितना अभी बनाना है, जब जो खाने वाला होता है तभी बनता है। तो मैंने थोड़ा सा बेटर निकाल लिया है और अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक और इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड कर लूँगी। और अब हम रख देंगे तवा, लोहे की तवा हमेशा यूज़ करना है डोसा बनाने में, नहीं तो आपके पास डोसा वाली तवा है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं और नहीं है तो आप लोहे के तवे पे बनाए। अब तवे पर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे। तेल को अच्छी तरह से हमें तवे पर फैला लेना है। तो ये देखिए तेल को हमने अच्छे से फैला लिया है। अब इस पर हम थोड़े से पानी के छींटे डाल देंगे और इसे किस कपड़े से पोंछ सकते हैं या फिर ऐसे भी सूख जाता है, मैंने थोड़े से कपड़े से पोंछ लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये डोसे का बेटर और इसे अच्छे से फैला लेंगे। आप जिस चीज़ से डालना चाहें उस चीज़ से फैला सकते हैं, कटोरी से भी कर सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा और बेटर डालकर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से तवे पर फैला लिया है और अब इसे हम सिकने के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट इसे हम सेक लेंगे, उसके बाद हम इस पर हल्का हल्का ऊपर से तेल लगा लेंगे। तेल इसलिए लगा रहे हैं ताकि ऊपर से थोड़ा सा भी कच्चापन ना रह जाए, क्योंकि घर के डोसा और बाहर के डोसे बनाने में बहुत अंतर होता है। तो अब इसमें हम हल्का सा तेल लगा लिए हैं और फिर से हम इसे 2-4 मिनट छोड़ देंगे। देखिए 2-4 मिनट बाद ये साइड साइड से खुद ही छोड़ने लगा है। तो अब इसे हम तवे से छुड़ा देंगे। आप इसे सही तरीके से छुड़ाएं, ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो हमने इसे एक बार ऐसे पलट देंगे और 1 से 2 मिनट थोड़ा पलट के भी पका लेते हैं। ये देख सकते हैं पीछे से कितना अच्छी तरह से सिक चुका है। दो मिनट बाद हम फिर से इसे पलट देंगे और अब हम इस पे ऊपर रख देंगे आलू का मसाला जो हमने बना के रखा था। और अच्छे से आलू के मसाले को हम इस पर फैला देंगे। और मैं इस वीडियो में सिर्फ डोसा बनाने बता रही हूँ, अगर आप लोगों को सांभर की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो देखिए हमारा एकदम परफेक्ट डोसा बनकर तैयार है। आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। तो ये देखिए ये देखने में कितनी लाजवाब दिख रही है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।